हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम का पेपर 10th क्लास का बोर्ड जो है दोस्तों किस तरीके से आई है। सेट नंबर पहला और कोड है 211। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का पेपर दोस्तों जो 2024 में बोर्ड एग्जाम हुए थे, ठीक है, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहला रीडिंग इसके लिए दोस्तों, ठीक है, आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, और क्योंकि इसको रीड करने से आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में जाइए और मैं आपको उसका इस जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल फुल सोल्यूशन करके ठीक है अपलोड कर सकूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं किस तरीके से पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्या इसका लेवल रहता है। ठीक है, तो मैं तो दोस्तों कि अगर आप जो पेपर दे क्या है, ठीक है, ये अगर आपने ये पेपर अच्छा किया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा दोस्तों, नहीं किया है तो फिर ये अनुमान लगा दीजिए कि किस तरीके से पेपर आते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पेपर आया वैसे मैंने इसको अपलोड किया है। ठीक है, ग्राफ से जुड़े हुए भी सवाल है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि इसी तरीके से वीडियो में आपके तक पहुंचाते रहो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपको इसका फुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो सेट है दोस्तों सेट नंबर लिखना है प्लस कोड लिखना है सब्जेक्ट का, और उसके बाद मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन वीडियो आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से आए हैं पेपर अलग अलग जो हुए हैं जगहों पर। ठीक है, तो एरर करेक्शन भी आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट लेवल भी यहाँ पे देखने को आया दोस्तों, और इजी कहते तो इजी लेवल भी देखने को कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे अब आते हैं। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है, ग्रामर में दोस्तों कुछ लेटर भी आ चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हर टाइप के क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो आप पूरी तैयारी के साथ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चनों की, जो एग्ज़ाम में जो पेपर क्या बोलते हैं जो किताब जो है दोस्तों, तो किस किताब में से कितने कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, लगातार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर फुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए दोस्तों कि आप जाइए वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, ये दोस्तों यानी चार यानी फोर करना है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, चार क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, इसमें भी यानी टू क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तीन प्रश्न है लेकिन आपको दो इसका जवाब देने हैं। ठीक है, एक ये बुक्स में से आ गया दोस्तों, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे होंगे आपने कर रखा होगा। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय। ठीक है।